वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन वी आर इन द मस्ती की पाठशाला और यहाँ पर यू आर गोइंग टू मेक द टेबल ऑफ 1929-39 ऑन फास्ट फेड बुलेट ट्रेन जर्सी. सो लाइक वी आर मेकिंग द टेबल ऑफ 29 वी आर मेकिंग द टेबल ऑफ 29. सो करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, या तो यहां से स्टार्ट करो, रिवर्स काउंटिंग में जाओ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया पहला स्टेप. अब इस नंबर को देखो, टेंथ प्लेस पे क्या है, ठीक है? जो भी नंबर टेंथ प्लेस पे दिखे, जो भी नंबर टेंथ प्लेस पे दिखे, राइट, उसके बाद वाला नंबर क्या है? टू के बाद क्या आता है? थ्री टू के बाद क्या आता है? थ्री है कि नहीं? तो पहले यहां लिखा, अब टू के बाद क्या आता है? थ्री ऐड करो टू में, फिर ऐड चलो वीडियो स्टार्ट विजिबल चलो चस 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 एट में थ्री ऐड करो, 11 में थ्री ऐड, ओके ट्वेंटी बिंगो हो गया. आया मजा? इस पे ध्यान देना, इसके बाद जो नंबर आए उतना ऐड करते जाए. तो अपन किसी का भी टेबल वी कैन फॉर्म, यूनिट्स प्लेस और वंस प्लेस 9 होना चाहिए. एम आई ट्रू? ओके, एक आप लोग और बनाने की ट्राई करो, और अपने दोस्तों से पूछना कि भाई 69 का टेबल बनाएगा क्या? बनाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लेट्स ट्राई वरुण, 69 का टेबल. लेट्स ट्राई एवरीवन, एंजॉय पावर ऑफ नंबर, मस्ती की पाठशाला. Where we are trying to enhance the skills, we are trying to make your child acquainted with all sort of concepts, which is going to help them to grow in their any competitive exam and definitely skill आ गया ना तो पैसा पाए. कहते हैं ना, लर्निंग में अर्निंग है. तो अगर हम अभी से इन बच्चों को एक ऐसा एटमोसफेयर दे दे where the kids are enjoying, कोई प्रेशर नहीं, कोई ट्यूशन जैसा नाम नहीं, जस्ट फन करो, एक बार किक लग गया ना अगर इन बच्चों को इन मेथड से, तो फिर आपको मैथ्स जैसा जो सब्जेक्ट जो आप लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं, जिस किड्स विल बी मेकिंग फन, मस्ती करेंगे. अभी बच्चे 69 का टेबल बना रहे हैं, एज यू ऑल कैन सी, टेबल ऑफ 69, जो कि कभी हम ख्वाब रहता था, अरे यार ये कहाँ फंस गए, हम बना रहे हैं. यस मान्या, बना लिया? इस बार यूनिट प्लेस में तो 9 है, टेंथ प्लेस में कौन है? 6 के बाद क्या आता है? बस सात ऐड करते चलो, दूसरा घर लाओ. सात ऐड करते चलो, दूसरा घर लाओ. पहला घर पहले तो इसको भर दो, 9 8 7 6 5 4 3 टू वन, बिंगो, इसको क्लोज कर दिया. अब आपका कौन है? 6, ये लो. 6 के बाद क्या आता है? 7. तो 6 में 7 ऐड करो, एक्सेलेंट. 13 में 7 ऐड करो, 13 में 7 दीक्षा दीक्षा, 20 में 7 ऐड करो, लेट दीक्षा. यस अनन्या, ऐड 6 to 27 to 27. अनन्या 34. यस वरुण, एड 7 to 34. सिर्फ 41 एक्सेलेंट. यस दीक्षा, एड 7 to 41, 48. यस अनन्या, एड 7 to 48, 48 में 7 ऐड करो, डोंट टेल दैट. 55 में 7 ऐड करो मान्या,
सर 52 62, सॉरी 62 62 में 7 ऐड करो। क्लियर एवरीवन? विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज वी कैन मेक द टेबल ऑफ एनी नंबर हुज वंस प्लेस, जिसका यूनिट प्लेस 9 होना चाहिए। बस कंसेप्ट क्या रखा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको आप ऐसे सांप सीढ़ी समझ सकते हो, है कि नहीं? या तो मैं यहां से भी स्टार्ट करूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा। जिस नंबर पे हम फोकस कर रहे हैं टेंथ प्लेस पे, वहां से स्टार्ट करा हमने ना, उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ 6 के बाद क्या आता है, 7। बस इसमें 7 ऐड करते चलो और घर भर जाएगा। क्लियर? तो आप जब नेक्स्ट स्कूल जाओ तो दोस्तों के मजे लेना हो तो दोस्त को बोलना, हे भाई तेरे पास 25 सेकेंड है, इसका टेबल बनाकर दिखा। स्टार्ट, ट्राई ट्राई टू मेक द टेबल ऑफ 149। 149 के टेबल ये 20 से 25 सेकेंड में बना देंगे। आप समझ रहे हो कितना पावर है, राइट मेंटरशिप की जरूरत है, बिकॉज एज वी ऑल नो दीज आर स्मार्ट किड्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक देम अ सुपर सक्सेसफुल ह्यूमन। विच आई हैव डन द लास्ट 30 इयर्स ऑफ माय जर्नी, that's what I'm trying now with these kids. ये एबाकस से एडवांस है, क्यों? एबाकस एक स्टेज में आके रुकेगा, उसके बाद ये कहानी चालू होगी। यहाँ से आप मैथ्स ओलंपियाड को दे सकते, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते, और आगे यही क्लैट यूपीएससी कैट का बेस बन। फिर आप सोच क्या रहे हो, कनेक्ट कर लीजिए, कोई भी डेज निकालिए टाइम, योर किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एंगेज देमसेल्फ इन सच। और इसके साथ Logical Institute is also coming up with Rubik classes. Rubik, जिसके इंटरनेशनल ओलंपियाड्स पे होता है, there will be a faculty for this. She is a great trainee of them from Bangalore. So just get ready. The next batch for Rubik will be starting from 3rd October. And only 5 students will be taken in that batch. Only 5 students to be taken in that batch. रूबिक सीख लिया, डियर पेरेंट्स, अगर आपने बच्चों को रूबिक सिखा दिया, उनका मोबाइल छूट जाएगा। वो जो गाड़ी में पीछे बैठ कर टिक टॉक मोबाइल है, अंधेरे से आई साइड, दे विल लीव दैट, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो कनेक्ट करें फॉर दैट ऑल्सो। ऑल्सो धीरज कुमार जैन फ्रॉम लॉजिकल इंस्टीट्यूट। We are trying to make the table of 149. Ready? 149 का टेबल हम बना रहे हैं। ये आ गया सांप, सांप, सांप। ये सांप कैसे भी बना लो, येलो भर दो। हम चाहे तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, yes or no? इस बार आपका नंबर 9 के अलावा कौन है? 14। 14 के बाद क्या आता है? 15। 14 में 15 ऐड करें, एक्सेलेंट। 29 में 15 ऐड करें, 44। क्या मजेदार, 44 में 15, 59, एक्सेलेंट बच्चे लोग। 59 में, ए क्या बात है, लुक एट द पेरेंट, लुक एट देयर पेरेंट्स, यू कैन सी दैट द किड्स आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी एक्सेलेंट। एटी नाइन में 15 जोड़ोगे, 15 ऐड करना है ना, 89 प्लस 10, 89 प्लस 10, 99 प्लस 5, 104 प्लस 15 119 एंड 119 प्लस 15 अतिशय सर 134 एंड 134 प्लस 15 1490
देख रहे हो अति से भाई, हमने 149 का टेबल बना लिया। दीदी को, यस दीदी सर, कभी सीखी नहीं ये चीजें यस। भाई। यू कैन टीच, पूरे मंदिर में ये सेमिनार लगा दो, है कि नहीं? बगल में अपना मंदिर है, वहां पर ऑर्गेनाइज कर दो ये सेशन। आई विल बी देयर, ऑर्गेनाइज्ड बाय अति से, ट्रेनी इज धीरज कुमार जैन, है कि नहीं? सुपरवाइज्ड, कंडक्ट करो। बाबा ओके को बोलो एक धर्म के नाम, धर्म की क्लास में लेट अस ऑर्गेनाइज धर्म विद मैथ्स। भाई एक माला फाइन, तो 8 बीट्स होता है ना, माला फेरा है वो भी तो मैथ्स ही है, 108। और 108 को अगर आप सिंगल डिजिट में करोगे, 1 प्लस 0 प्लस 8 क्या हो गया? 9 ना। सारा खेल 0 से लेकर 9 के बीच का ही तो है। यहाँ जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं तब 0 से 9 ही तो है, और उसकी बेस पे आपने 149 का टेबल बना दिया। अभी 10 मिनट पहले आपको ये मेथड आता था, अभी सीख लिया, अब आप इसको कहीं भी यूज करो। एग्जाम में कैसे मदद करेगा ये मैं अलग से और बताऊं। जैसे डिवीजन आता है, आप लोग टेबल याद करते हो, हम टेबल को याद नहीं करेंगे, हम टेबल को वहीं पर कैसे यूज करेंगे उसको भी एक छोटा सा एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। कि सपोज ना, सपोज अति से यू हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ एनएसओ आईएसओ, अगर भरा हो अति से, फिल किया। वरुण, हैव यू फिल्ड अप द फॉर्म ऑफ आईएसओ आईएमओ? देखो यस सर। कैसे मदद करेगा, बिकॉज जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन आता है कि नहीं? ऑप्शन आता है। अब सपोज करो कि कोई नंबर, बड़ा नंबर लेते हैं ताकि हम आप, यही बता दे। चलो आ जाओ, पहले ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। 0.3 प्लस 0.33 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 3 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
और ऐसे करते तो कंफ्यूज हो जाते, डेसिमल है ना। तो यहां से क्या है, थ्री है ना, थ्री का डबल कर दो, क्या आया सिक्स सिक्स, थ्री का ट्रिपल कर दो, क्या आया फोर नाइन टाइम करो, क्या आया, ठीक है थ्री को फाइव टाइम करो, फिफ्टीन सिक्स यस और नो, चेक कर लेंगे राइट अराउंड बाद में देखेंगे। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, एक दो तीन चार पाँच, ये कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या ये आंसर है या नहीं, हम नॉर्मल से चेक करके देखो, नॉर्मल एडिशन आता है ना, चेक करके देखो एक बार, चेक करो नॉर्मल से। देखो हमने आंसर निकाल भी दिया, अब आप नॉर्मल से कर रहे हो, देखो टाइम लग रहा है, करो करो करो, और हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर लेंगे तुरंत, वो भी जादू है हमारे पास। वी आर एडिंग दिस, लुक हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, सर माय आंसर इज सेम ट्राई ट्राई वरुण, क्या सोचने लग जाते हो, ट्राई टाइम लगा, सर, सेम आंसर सेम आंसर आया, मजा वापस देखें, जादू था, मस्ती थी, राइट ना, क्या किया मैंने देखो ध्यान से, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है थ्री करके, नहीं तो पहला मैंने एज इट इज लिखा, फिर
फिर क्या करना, डबल कर लेना जो नंबर है उसका डबल। 3 2 3 3 3 4 12 12 जब आया तो ये नीचे 1 कैरी कर दिया, यस और नो। 3 5 15 प्लस 1 16 करो ताकि भूलू नहीं ना। कहाँ पे 3 6 जा, नहीं कहाँ पे 3 5 जा, 15 and 1 हो गया, खत्म ही हो गया। अब डेसिमल कहाँ लगाना था, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिंगो। आंसर वेरीफाई करें कि हमारा राइट या नहीं, उस वेरिफिकेशन को हम कहते हैं डिजिटल सम। पहले भी बताया था मैंने, डिजिटल सम का मतलब है जहां भी 9 दिखे ना उसको शाहरुख खान मान लो। शाहरुख खान मतलब उसकी मूवी आई थी ना, और जैसे ही 2 डिजिट्स दिखे, जैसे सपोज करो ऐड करके मेरे पास आया 12, इसको फिर से सिंगल डिजिट में कर लो, 1 + 2 क्या हो जाएगा, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज यू कैन इजीली वेरीफाई। चेक करो इधर सामने देखो, ये देखो 3 + 3 6 6 + 3 9 को क्या मान लेना, शाहरुख खान। यहां तक का खत्म। 3 + 3 6 6 अगेन शाहरुख। 3 + 3 6 6 + 3 शाहरुख खान। 3 3 + 3 6 क्या बना, शाहरुख खान। 3 + 3 6 + 6 9 इस पूरे का डिजिट सम क्या आया, 9 0 0। अब आंसर देख लेते, अगर आंसर का भी डिजिट सम 0 आया तो मैम को दिखाने की भी जरूरत नहीं, आप अपनी मार्क्स ले। 6 3 9 9 बोले तो 6 प्लस 1 9 बोले तो, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट है। इसे कहते हैं डिजिटल सम वेरिफिकेशन। जब आप एग्जाम में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर दिमाग में डाउट रहता है, यस और नो, विद द हेल्प ऑफ माय दिस मेथड आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर। यस, एक और लेता हूं मैं ये क्वेश्चन सामने देखना गर्वे, कि क्या आप 2-5 सेकेंड में कर पाते हो। आपको पूरा स्टार्ट ऐड करना है।
सर आंसर आ गया। बिफोर ज्वाइनिंग ही हैज ज्वाइन मी इन द मंथ ऑफ जून है ना। सर मैं आंसर मतलब पसीने आ जाते थे मॉडर्न का ही है। और अभी आलम यह है कि मैम इसको हाथ खड़ा होता है ना इसका, तो मैम पूछती है ये बुक का क्वेश्चन पूछेगा या बाहर, ये मेरे वाले लेकर जाता है। मैम ने एक बार इसको बोला सिट डाउन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, पीछे से कोऑर्डिनेटर आ रही थी। मैम को डर गया, तो भाई यार बच्चा पूछ रहा है तो आपकी ड्यूटी पर पार्ट ऑफ द सिलेबस क्या होता है, लर्निंग है ना, नंबर है ना, मैथ्स है ना। बोल दिया टीचर को आपको नहीं आना साइंस कोऑर्डिनेटर। उसके बाद से वो टीचर जैसे ही बच्चा हाथ खड़ा करता है मालिक नाम सर डन। यस वरुण हैज गॉट द आंसर। क्या बात है भाई, देख रहे हो? नहीं नहीं यस रेडी हो, गुड बोलो। फाइव 43 पॉइंट सबसे सेवन पहले तो यहां से स्टार्ट, सेवन लिखा फिर सेवन टू जा 14, आराम से यहां पर भूलना और ऐसे और टिक कर लो ताकि मुझे पता चल जाए मैंने कितने सेवन ले लिए। नाउ सेवन थ्री जा 21 + 1, कैरी को नीचे लिखना भूलूंगा नहीं। नाउ सेवन फोर जा 28 + 2, गुड। सेवन फाइव जा 35 + 3, सेवन सिक्स जा 42 + 3, सारे सेवन ले लिया। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर एट द मोस्ट? सिक्स बिंगो, वेरीफाई भी कर लेंगे अपन, अपने को तो वो भी आता है, नाम को पता ही नहीं चल। दैट फोर्टीन लेट्स वेरीफाई, 7 + 7 सिंगल डिजिट में, 5 14 5 + 7 12 5 + 12 सिंगल डिजिट में, प्लस थ्री सेवन 3 + 7 टेन 10 सिंगल डिजिट में, वन 1 1 + 7 एट 7 फिफ्टीन सिंगल डिजिट, सिक्स 6 + 7 सिंगल डिजिट, थर्टीन फोर 4 + 7 इलेवन सिंगल डिजिट, टू 2 + 7 9। नाइन चलो यहां तक शाहरुख की बिल्डिंग बन गई, ये खत्म भी हो गया। 7 + 7 फोर्टीन 14, फाइव 5 + 7 3, ट्वेल्व थ्री 3 + 7 टेन वन 1 1 + 7 एट 8 + 7 फिफ्टीन सिक्स 6 6 + 7 थर्टीन फोर 4 + 7 2, 11 1 नहीं टू 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 ये खत्म हो गया 2 7। नाउ 7 + 7 14 5 + 7 12,3 आ जाओ यहाँ 3 लाते, ये तो मर्डर हो गया, ये भी मर्डर हो गया। नाउ 8 + 4 8 + 4 12 12 सिंगल डिजिट, बिंगो,3 यानी कि मेरा ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? ये हर ओलंपियाड में आपको मिलता है, नॉर्मल मेथड से करते हैं तो 1 मिनट से ज्यादा लगता है, और आपने ये 10 सेकेंड में कर लोगे जो आप प्रैक्टिस अच्छा, तो आपके 50 सेकेंड जब बच जाते हैं एक क्वेश्चन में तो आप आगे वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटर से पास कर लो और आप जीत जाते हैं। ये है खेल नंबर 1 का, राइट? सो टू कंक्लूड दिस आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन टू ट्राई। As you all can see, audience, how fast we are doing, and these are all questions part of competitions. तो आप ये बात समझना कि मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूं। बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई कैलकुलेटर है ना, क्यों माता घोड़ी करे, तो कॉम्पिटिशन्स में कैलकुलेटर नहीं होता तब आप क्या करेंगे?
स्पेशली आईबी बोर्ड के स्टूडेंट्स जिनको कैलकुलेटर बहुत जल्दी दे दिया जाता है, और अगर जब वो इफ दे प्लान कि मेरे को आईबी से वापस सीबीएसई में आना है फॉर कंपटीशन, तब उनको ये बहुत परेशान करती है। स्टार्ट करें। यस विठल, आई थिंक सो मैसेज बहुत क्लियर था, लेकिन डाउट क्यों होना था आपको? मैंने कहा कहीं 7 दिन से, तो मेरा हर मैसेज आता है ना। सर डन। ग्रेट, वेरीफाई भी कर लो। एट 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 9। भाई बहुत सारे ईट आ गए। नहीं, सो व्हाट इज द लास्ट? दिस वन है कि नहीं? देखो दीक्षा सामने, 9, 9 का डबल 18, 18, ऐसे कर 27, लो। 9 का ट्रिपल 27 27, एंड 1, 20। 8, 9 फोर्सा 36 36, प्लस 2, 38, 9 फाइव्स आर 45, 48, 45 प्लस 3, 48, 9 सिक्स आर 54, देन 58, एंड लास्ट बचा है 9 सेवन्स आर 68, 68 इज द आंसर। 1 2 3 4 5 6 7। चलो कंपटीशन मैथ्स अलोन पे आड़े एक क्वेश्चन है। ग्रेट, आया दीक्षा को समझ में आ गया। अब इसका एक जादू वाला मेथड बता रहा हूँ, ये तो आपने सीख लिया। अब आपने अगर नोट किया हो, हम क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर है ना उसके टेबल ही तो लिख रहे हैं, यस और नो? तो इधर बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो हाईएस्ट कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है एंड टेबल स्टार्ट कर दो। अब सपोज करो ये ऐसे ऐसे चलता और लास्ट में ये 9 बार है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस और नो? नंबर कौन है, नंबर कौन सा है? 8। हाउ मेनी टाइम्स? 9। तो बस अपने को पता चल गया, 8 वन जा 8 16, 24 एंड 1, 8 फोर जा 32 एंड 2, बोलो, 8 फाइव जा 40 प्लस 3, 8 सिक्स 52, देन 8 सेवन 5 और बचा है ना एक, हाँ 8 8 64 एंड 6, यस दीक्षा, 8 9 72 प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका आंसर। बिंगो, क्लियर? क्लियर अतिशय मान्या वरुण, क्लियर? यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन था, हर पेपर में मिलेगा।
अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो 10th के बच्चों को नहीं आता, 11th को नहीं आता, 10th के पेपर में आता है। 10th के पेपर में वर्ड प्रॉब्लम बनकर आता है। थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर अगर 12th, फर्स्ट ईयर या थर्ड से छोटे, 10th से छोटे वाले अगर इस आंसर को देखकर जवाब दे तो 10th वाले को थोड़ा सा पानी लेना चाहिए। हाँ हिंदी वर्ड आप जानते ही हो, बिट्टल सामने देख, इंग्लिश मैथ तो चलता रहेगा जिंदगी में, कर क्या लेगा। तेरे को ये तो पता ही है ना कि जो टेक्निकल लोग होते हैं ज्यादातर वो जॉब कर चेक कर, जिनकी थिंकिंग लॉजिक ज्यादा लगेगी ना वो बिजनेस नहीं कर सकते, बोलो क्यों। हर चीज वो कैलकुलेशन लगाएंगे, बिजनेस में तभी होता है जब इमोशन होता है उसके। करके दिखाऊंगा ना मैं, जो होगा देख लूंगा, वही बिजनेसमैन बनते हैं। धीरू भाई अंबानी जब छतरी बेचता था, तब अगर वो बॉम्बे डाइंग को चैलेंज नहीं करता, पास पढ़ना उसका, बेट से बॉम्बे डाइंग को बंद करा दिया उसने। अगर वो सोचता छतरी बेच रहा हूँ किसी छतरी वाले की नौकरी कर लो, तो आज आनंद भाई की शादी होती है। ये फैक्ट है, ये मेरे वॉच एनालिसिस से मैं सीख रहा हूं। हाँ अरे अलग है, लॉजिकल थिंकर जो होंगे वो ज्यादातर जॉब करेंगे जो सिक्योर रहना चाहते हैं। ज्यादातर चार्टेड अकाउंटेंट अपना फर्म खोलते हैं या सो या जॉब करते हैं। कुछ डेयरिंग बंदा इंस्टीट्यूट खोल लेता है। अब आप खुद बताओ, एक सीए फर्म वाला, एक सीए किसी के अंदर वाला जॉब भी मिलता है ना, और एक सीए का कोचिंग कौन छाप रहा है। कोचिंग वाले का अगर चल गया, चल नहीं तो बात, उसने इमोशन का रूम लिया, वो अगर ये रिस्क नहीं लेता, लाइक वन ऑफ माई नोन माई कजन, ओके, उसकी क्या है पैकेज, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, मंथली का 1.5 CR 2 CR होगा। 1.5 हजार बच्चे तो पढ़ रहे हैं एट ए टाइम, हाइब्रिड क्लास, सैटेलाइट क्लासेस चल रही है, वो खुद रिमोट एरिया में है, सेटअप पूरा रेडी, पावर देख रहे हो आप। लेकिन यही अगर उसने स्टार्टिंग में, अभी ये सेटअप कर रहा हूं नहीं चला, तो ये जो मैंने लगाया आपको जयपुर के नॉर्मल हेल्थ इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं मिले। Not talking about those, right? LLM की बात नहीं करता, उनको तो ये स्पॉन्सर्ड में मिल जाता, नहीं समझा, ऐड कर दोगे। I'm talking about individual basis पे, individual आप पता करके देखें, individual, और ये individual, ये भाई साहब, ये अभी तक ये जयपुर के प्रोफेशनल फोटोग्राफर यूज नहीं करते, ये मैंने गर्वित के पापा से पूछ कर लिया। What I want to say is that you have to come out, इमोशन इन्वॉल्व करिए, रिस्क लेंगे, मजा आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ये हर कंपटीशन एग्जाम का है, खोपड़ी पाव, खोपड़ी पाव दे दूंगा, और मैं पूछूंगा भीड़ में कितने कौन है। तो गर्वित भाई का मुर्गियों का बहुत बड़ा कारोबार, श्रेयस को कर देता हूँ। श्रेयस वैसे भी लव और गर्भित मेरा सर 10 लक्षण जी चल रहा है, तामा सर, मुर्गी सर, दिगंबर, श्रेयस को कर देता हूँ। आ जाओ पब्लिक, आपको एक मस्त वाला मैथ्स बता रहा हूँ, हर में आता है। तो बहुत बड़ा भीड़ है जिसमें ह्यूमन बीइंग है, और साथ में अपन ले लेते हैं गाय देने वाली या बकरी ले लो या बकरी पावरफुल होता है। ये लोग भीड़ में है, एक मेले में है, और ऊपर से ड्रोन कैमरा से शूटिंग हो रहा है, खोपड़ी दिख रही है ना, टोटल हेड जो दिखा भीड़ में वो दिखा
हेड मतलब बकरी और ह्यूमन बीइंग का मिलाकर, ठीक है। फिर नीचे से कैमरा आया है ताकि हम टोटल लेग्स देख सके और टोटल लेग दिखा हमें। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कंपटीशन में भाई लोग, गोट की यूटाइल करना। वैसे तो जो स्मार्ट होगा बिना पेन पेपर के बता सकता था, लेकिन अपन तो स्मार्ट अभी नहीं है, बनोगे मेरे साथ रहकर, इसलिए पेन कॉपी यूज करो। और ये 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का सिलेबस है। हाँ अब आप देख लो, 10th को नहीं आता पर आप अभी कर लो ट्राई। मेरा क्वेश्चन था, देर आर नंबर ऑफ मैन्स, देर आर गोट, द टोटल हेड विजिबल इज 42, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इंक्लूडिंग बोथ इज 138, हाउ मेनी गोट्स आर देयर? ट्राई वरुण ट्राई, ये स्कूल में टीचर को नहीं आता बच्चा, ट्राई करो। या आई कैन सी वन न्यू नेम आकांक्षा, AKNKSHA, कैन आई हैव द वीडियो ऑन प्लीज? हेलो पब्लिक, नहीं टाइम लग रहा है मिट्टल, ग्रेट। किसका नंबर पूछा मैंने? गुड, ह्यूमन बीइंग का निकाल पता करते हैं जिसका पूछ रहा है। तो ये 2 से डिवाइड होगा या 4 से, ये सोचो। अरे 2 से डिवाइड होगा या 4 से, ये तो बताइए सही से हो। डू यू नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? बताओ। तो तो क्या 38 4 से डिवाइड होता है? सही है। एक्सक्लूसिव किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 138 डिवाइडेड बाय 2, 138 डिवाइडेड बाय 2, बहुत सारे मेथड है, आराम से कर सकते थे इसको। 2 से डिवाइड किया है कि नहीं? ये लो 6, ये लो 9, ये तो कर ही लेंगे राइट। माइनस एक्चुअल हेड थे कितने पूरे, कितना आया? सब्ट्रैक्शन तो आता होगा आप लोगों को यार। 27 ये आ गया, वेरीफाई कर ले। एक बकरी के कितने दाम? तो 27 के 27 कितना? तो मैं खाना के 27 4 25 4 27 4 On 08। और एक सही सलामत आदमी का पाँव कितने? खोपड़ी अभी भी बचा है, 42 में से 27 तो गए, कितना बचा? यस और नो? एक आदमी के सही सलामत कितने पाँव? तो 15 के 30। दिमाग क्या रखा उस पर फोकस कर। ये अगर सपोज 140 होता, सपोज बोला, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन खाली था, ह्यूमन बीइंग भी और बकरी भी, क्योंकि 4 से भी डिविजिबल हो जाता तब। और लेकिन अभी अपने को एक्सक्लूसिव इस पे फोकस करना पड़ गया आसानी से, जो 2 से डिवाइड हो। 2 किसके पाँव है? तो जिसको डिवाइड किया ये जो आया वो उसका रिवर्स। तो आपको इस क्वेश्चन में ना वो बकरी पूछेगा, क्यों? क्योंकि बकरी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था ना, तो जिसका पूछेगा ना, हमने उसका उल्टा से स्टार्ट किया। यस और नो? तो
ये आपका बकरी आ गया, बचा हुआ खोपड़ी ह्यूमन बींग का कंसेप्ट वॉज वेरी सिंपल। टांग को देखो, टू से या फोर से, टू से डिवाइड हो गया, टू से डिवाइड हो गया, जो आया उसको टोटल हेड उसमें से माइनस कर दिया, तो जो आया वो चार वाला आया। चार कौन है? बकरी है। टोटल हेड में से ये माइनस करा, ह्यूमन बीइंग आ गया। वेरीफाई करने का अपने को बहुत सिंपल तरीका है, 15 × 2 = 30 होता है, और 27 × 4 = वेरीफाई हो गया। एंजॉय। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी भी रख सकते हैं सर, अगर हेड को टच करा तो इसका है। अब वो बात पता नहीं क्या क्या लग सकती है। फिलहाल जो मैंने समझाना चाहा वो क्लियर हो गया ना? दैट वाज गुड वन। इफ इट इज ओके दैट्स गुड। दिस इज वन ऑफ द रेगुलर करेंगे लेकिन ना कैसे बोलना मैम, आई कैन डू कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। इसमें जो मैं रूल बनाऊंगा उसको हिंदी वर्जन में कहते हैं पड़ोसी को देख। पड़ोसी जानते हो ना? पड़ोसी को देख और ऑनर को देख। देखो मालिक होगा उसके बाद पड़ोसी को, बस इसके बेस पे हम मल्टीप्लाई करें। मजा आया सुनने में तो, अच्छा लगा ना? और ये जितने लोग बैठे हैं इनको किसी को नहीं, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे अभी वो दो चार बच्चे का स्पोर्ट्स और एग्जाम है, देयर एब्सेंट राइट, जैसे अभी अति से आपको बताएगा। क्यों अति से? ट्रैक एंड बॉक्स सिस्टम एक्टिव है ना मान्या? एक्टिव हो ना? ट्रैक एंड बॉक्स सिस्टम सामने देखो, तीन चार सोन डिस्ट्रैक्टिव बेटा ना, पहले आराम से देखना। और पहले मैं फोकस करूंगा इवन नंबर जब मल्टीप्लाई होता है किससे, ठीक है? हमने देखो, आप सीख रहे हो मल्टीप्लीकेशन करना विथ फाइव विदाउट नोइंग द टेबल ऑफ फाइव। चेक इट आउट, एकदम सिंपल नंबर लेते हैं। सबसे सिंपल नंबर है इवन का, ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यस अति से बताओ आंसर फटाफट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 130। सुना बिना मल्टीप्लाई के बता दिया। आप देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ऑलवेज शाहरुख खान रहेगा दिमाग, जीरो, क्योंकि जीरो का वैल्यू कुछ भी परेशान नहीं करेगा। तो करना क्या होता है, जिस नंबर पे फोकस है, पहला नंबर ये हम ऐसे जाएंगे, हाँ ऐसे, यानी कि राइट से लेफ्ट, समझ में आ रहा है? जिस नंबर पे फोकस कर रहे हैं उसके आगे वाला जो भी है उसका आधा कर। नो नो, पाँव नहीं लगाते पहले। आई रिपीट, जो पहली बार कर रहे हैं, जो भी नंबर है उसके आगे वाला का क्या करना? आधा। सर इसलिए जो होगा अभी आराम से, पहले 6 को डिवाइड किया तो चाहिए। नहीं टेक योर टाइम, इसका आगे वाला कौन है? जीरो का आधा, दीक्षा हाफ ऑफ जीरो, जीरो का आधा जीरो ही तो रहेगा। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जीरो ही आता है ना, तो जीरो का आधा हो गया। अब आप इधर शिफ्ट हो गए, अब आपका मालिक कौन है और पड़ोसी कौन है? जो भी पड़ोसी है उसका आधा करने का, सिक्स का आधा, सिक्स का आधा थ्री। अब कोई नहीं है तो इधर कौन है? मालिक जीरो है, पड़ोसी कौन है? टू का आधा खत्म। बिना टेबल के आंसर आ रहा है, अभी सब इवन थे राइट। ट्राई करें दीक्षा, दिस इज फॉर दीक्षा, सॉरी सपोज। सो दीक्षा, व्हाट इज द रूल वी आर मेकिंग?
ये नंबर पहला नंबर है, आराम से पहले समझ लो। पहला नंबर है, इसका पड़ोसी कौन है? जीरो का आधा, राइट, लिख दूं। अब मालिक कौन है? मालिक, और पड़ोसी कौन है? सिक्स का आधा। अब मालिक कौन है? पड़ोसी कौन है? फोर का आधा। खत्म। टू यस, आ रहा है, मजा आ रहा है, तुम मुस्कुराओ ना। ये देखो, थोड़ा बड़ा इवन नंबर ले लो। चलो ट्राई करो। दीक्षा बोलो, नहीं यहाँ बोलो, मेरे को वहां नहीं, कॉपी नहीं, बोलो। लेटर, एक एक डिजिट करके बोलते जाओ, जो समझ में आ रहा है बोलो। थर्टी पहले जीरो, वेरी गुड। आपका मालिक सिक्स हो गया, पड़ोसी कौन? एट का आधा, फोर। अब आपका मालिक कौन है दीक्षा? पड़ोसी, हाफ ऑफ सिक्स, लेटर, लेटर। अब आपका मालिक कौन है? जीरो। पड़ोसी कौन है? फोर का आधा। खत्म। वेरीफाई करें, डिजिटल सिम सिखाया ना, सही डिजिटल सम। अब वेरीफाई भी कर रहे हैं, अति से थोड़ा दूर रहो कैमरा से, अब बहुत क्लोज आ रहे हैं। सो नाउ, फोर प्लस सिक्स सिंगल डिजिट, वन प्लस एट नाइन, बोले तो जीरो इंटू फाइव, जीरो इंटू फाइव, अरे जीरो इंटू फाइव भाई, टू जीरो प्लस थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, बोले तो आंसर वेरीफाई हो गया यार। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? अब आनन्या बताएगी। अति से लुक एट हर प्लीज। और अभी मैंने ऑड नंबर नहीं लिया है, दिख रहा है ना, सब इवन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एज यू ऑल कैन सी, जस्ट नाउ लर्न, जस्ट नाउ डिलीवर, दैट्स द पावर ऑफ रियल लर्निंग, एज यू ऑल आर ऑब्जर्विंग। वेरीफाई करें। यस अनन्या, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, 14 सिंगल डिजिट में, एक्सेलेंट। 5 प्लस 8, 13 डोंट से इन बिटवीन अतिशय। 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, 13 ना, 13 सिंगल डिजिट में, फोर। बात यही थे ना, हाँ, 4 प्लस 8, 8 6 14 था ना, ये यहाँ थे ना अपन, 8 6 14, 14 मीन्स 5, 5 प्लस 8 13, दैट इज 4, 4 4 4 5 20, मतलब ना 4 प्लस 3, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, 11 सिंगल डिजिट में, टू, दैट इज बिंगो। आया समझ में? ऑड इंट्रोड्यूस कर दो, ऑड वाला कंसेप्ट बता दो। ओके, अब ऑड आ रहा है, थोड़ा सा समझना, ऑड आ रहा है तो पहले ये समझना जो मैं लिख रहा हूं। आई होप आपको ये तो पता है कि 0 से लेकर 9 में ऑड कौन कौन है। 1 है 3 है 5 है 7 है और 9। अभी आप आधा कर रहे थे ना, पड़ोसी का आधा, तो अगर ऑड आएगा उसका भी तो आधा करना होगा। लेकिन क्या ऑड 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है? नहीं होता है। उस केस में यू आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन होल नंबर, डेसिमल जो भी आए भूल जाना। सो 1 बाय 2 क्या लिखते हैं आप लोग? डेसिमल से पहले क्या है होल नंबर?
यानी कि जब भी वन आपको पड़ोसी दिखेगा तो क्या लोगे, वन का आधा जीरो, थ्री का आधा क्या लिखोगे, फुल नंबर में क्या लोगे वन, फाइव का आधा फुल नंबर में क्या लोगे, सेवन का आधा फुल नंबर में क्या लोगे, नाइन का आधा, क्लियर ना? इसका मेथड क्या है, जब ऑड आ जाए, जब ऑड ऑनर हो जाए तो एड फाइव प्लस हाफ ऑफ पड़ोसी। इवन में आपको ये नहीं करना पड़ रहा था, राइट? इवन में सिर्फ आप क्या कर रहे थे, पड़ोसी का आधा। ऑड दिखेगा जब ऑनर, तो पहले आपसे वो 5 लाख किराया लेगा और फिर पड़ोसी का, और दोनों को ऐड कर देगा। ट्राई करें, सपोज 36 इंटू फाइव, राइट? अभी ऑनर कौन है, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, जीरो, जीरो का आधा जीरो। अब आपका मालिक कौन है, जब मालिक ऑड हो तो क्या बताया, पड़ोसी कौन है, सिक्स का आधा, फाइव प्लस थ्री। अब आपका मालिक कौन है, पड़ोसी कौन है, थ्री का आधा होल नंबर में, बिंगो, आंसर आ गया। वेरीफाई कर ले, सिक्स प्लस थ्री नाइन, बोले तो जीरो इंटू फाइव, वन प्लस एट नाइन, बोले तो यस। आया मजा, आया बिना टेबल के कैलकुलेशन हो रहा है, एवरीथिंग पॉसिबल। ले बड़ा नंबर लू, हाँ पक्का, ऑड इवन मिक्स करके दू, तो पहले इसको लिख लो, ये कॉपी में लिख लो, दोज आर न्यू दे कैन राइट डाउन इन द नोटबुक प्लीज, कॉपी में लिख लो। ऑनर कौन है बोलते जाना मेरे साथ, पड़ोसी कौन है, जीरो का हाफ ना, ऑनर कौन है, ही इज ऑड और इवन, ऑड आएगा तो सबसे पहले वो क्या लेगा, फाइव, पड़ोसी कौन है, फाइव प्लस वन, सामने देखें आप, नाउ अगेन आपका मालिक कौन है, फाइव इज ऑड और इवन, ऑड, ऑड मतलब फाइव, पड़ोसी कौन है, थ्री का आधा होल नंबर में, वन, फाइव प्लस वन, ना ऑनर कौन है, सिक्स ऑड या इवन, इवन में टेंशन नहीं, पड़ोसी कौन है, फाइव का आधा होल नंबर में, टू, ना ऑनर कौन है, ऑड और इवन, ऑड आते ही पड़ोसी कौन है, सिक्स का आधा, फाइव प्लस थ्री, ऑनर कौन है, नो टेंशन, पड़ोसी कौन है, सेवन का आधा थ्री, नाउ ऑनर कौन है, एट, पड़ोसी कौन है, फाइव का आधा, फाइव का आधा, फाइव का आधा टू, ना ऑनर कौन है, पड़ोसी कौन है, एट का आधा, ऑनर कौन है, थ्री ऑड है, फाइव लेंगे, पड़ोसी कौन है, सिक्स का आधा, दैट इज, ना ऑनर कौन है, थ्री का आधा, ना ऑनर कौन है, फोर का आधा, ना ऑनर कौन है, टू का आधा, बिल्कुल एक और बार बताओ, ओके
एक और बार, एक और बार पता चल जाएगा रॉन्ग राइट। आराम से फिर से। सो पहला नंबर इवन, पड़ोसी जीरो, देन टेन ऑड, 5 प्लस 1 6, ऑड 5 प्लस 1 6, इवन पड़ोसी का आधा, ऑड 5 6 का आधा, इवन पड़ोसी का आधा, ऑड 5 प्लस 1 इवन 2, इवन 4, ऑड 5 प्लस 3, इवन आधा, इवन आधा दिस वन। चेक करें एक बार फटाफट, राइट या रॉन्ग, अपने को मेथड आता है। आराम से देखना मैं क्या कर रहा हूं। जहां नहा 9 बनेगा ना, काट दूंगा। 6 और 3 5 और 4 7 और 2 ओके ना यस, 6 और 3 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9 बोले तो 0 into 5 डिजिटल सम इस क्वेश्चन का क्या हो गया? अब चेक करते हैं हमारा आंसर राइट या रॉन्ग। 8 और 1 6 और 3 ओके, और चलो कोई बात नहीं, 8 और 9 ये भी तो है, 1 है ना। हाँ 8 भी तो है। हाँ 8 और 1 ठीक है। नाउ 2 प्लस 4 16 पास, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16 प्लस 6 20, 22 का सिंगल डिजिट, यानी कि कुछ गलत है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ डिजिट सम क्या आया और यहाँ क्या आया, बचा है क्या कुछ? कौन सा? अच्छा ये 8 बचा हुआ है ना, 0 प्लस आ गया ना आंसर। 8 5 40 सिंगल डिजिट में, मैन कितना फास्ट बन रहे हो आप, देख रहे हो आप, अपना आंसर भी वेरीफाई कर लोगे। ये जो चीज बताया ये कंपटीशन में मिलेगा या आपकी कहां पर रोल प्ले करेगा? कंसंट्रेशन में। कैसे? आपने एक नंबर को भी स्किप किया ना या ऑड और इवन भूल गए, यू विल लूज। क्लियर? तो आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एंड देन एंजॉय, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, सो दिस इज 2 3 4 5 6 9 8 7 6 2 3 5 2 बिंगो। ट्राई, एज यू ऑल कैन सी वी आर ट्राइंग टू एनहांस द पावर ऑफ कंसंट्रेशन बाय डूइंग कैलकुलेशन विदाउट द हेल्प ऑफ टेबल। सिंपली रूल क्या है? पाइप जब भी हो, ऑनर और पड़ोसी, ऑनर इवन तो पड़ोसी का आधा लेंगे सिर्फ। अगर ऑनर ऑड, पहले वो 5 लाख किराया लेगा और पड़ोसी का आधा को जोड़ देगा। बस इस कंसेप्ट में आप कोई भी टेबल कर सकते हो कैलकुलेशन। द नंबर इज 5, सो ट्राई। हाँ कहाँ आ गए? यस और नो? 2 इज ऑड और इवन? ठीक इवन। पड़ोसी कौन है? 3 का आधा होल नंबर में। अभी कौन है ऑनर? पड़ोसी कौन है? 2 का आधा। अभी कौन है पड़ोसी? ऑड है, 5 6 का आधा, 5 प्लस 3। अभी कौन है? अभी कौन है? 8। पड़ोसी कौन है? 7 का आधा होल नंबर में। अभी कौन है? 9 बोले तो, 9 बोले तो, 9 बोले तो, और यहाँ डिजिटल सम थोड़ी ना कर रहे हैं। 9 बोले तो, और पड़ोसी कौन है? और बोले तो 5, 5 प्लस 4। अभी कौन है? इवन है या ऑड? पड़ोसी कौन है?
नाइन का आधा, अभी कौन है? फाइव फाइव ऑड है इवन? ऑड है तो फाइव। पड़ोसी कौन है? सिक्स का आधा, फाइव थ्री प्लस थ्री, एट अभी कौन है? ऑड है इवन? पड़ोसी कौन है? फाइव का आधा, अभी कौन है? ऑड या इवन? फाइव, फाइव प्लस टू, अभी कौन है? टू। थ्री का आधा, अब टू का आधा खत्म। एंजॉय। रूल क्या है उस पे फोकस करो। यहाँ डिजिटल सम नहीं कर रहे थे कि हम नाइन को जीरो ले लें। जहां पर ऑनर ऑड दिखा आगे मत बढ़ना बिना 5 लाख का जुर्माना भी। टेक इट लाइक दिस। पड़ोसी का, अगर पड़ोसी ऑड है तो होल नंबर वन का आधा होल नंबर में जीरो, थ्री का आधा होल नंबर में वन, फाइव का आधा होल नंबर में टू, सेवन का आधा होल नंबर में थ्री, और नाइन का आधा होल नंबर में फोर। फिर दूसरा मेथड क्या है? डिजिटल सम। डिजिटल सम में 4 3 2 मर्डर, ये मर्डर, ये सॉरी, ये खत्म, ये भी खत्म। और क्या बचा अपने पास? फाइव बचा, सिक्स बचा, इलेवन, इलेवन और टू थर्टीन, थर्टीन फाइव, एटीन बोले तो नाइन बोले तो जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज जीरो। 7 और 2 9 गया, 1 और 8 9 गया, 9 गया, 7 8 9 गया, 9 गया, और क्या बचा? एट और नाइन, ये गया, ये बच गया है कि नहीं? ऊपर भी बचना चाहिए था, होगा यहीं पर कुछ छुटा होगा। हाँ, फिर से 8 छुट गया ना। 8 5 40 आ गया ना, वो आएगा ही आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स द ओनली थिंग। सो एज यू ऑल कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेस एंड मेथड, द कैलकुलेशन, द पावर, द अंडरस्टैंडिंग कैन बी वेरी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस नोट वी कंटिन्यू स्टूडेंट्स मस्ती की पाठशाला। थैंक यू। ओम अरहम नमः।